हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका अनीता जी की ब्यूटी टिप्स में। तो फ्रेंड्स, एक ब्यूटी टिप्स और आज मैं लेके आई हूँ, जो कि एक पैक बनाएंगे और हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे अपने पैरों के ऊपर। फेस पे भी लगा सकते हैं इसको हम, और फिट पे भी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, और बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो देख सकें। तो अभी मैं ये पैक बनाऊंगी आपके सामने। तो ये मैंने ले रखा है हनी, ये हनी है जो कि मैंने इसको गर्म किया है, ये जम गया था सर्दी की वजह से। और ये बेसन है हमारे पास, तो ये मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, और इसमें हम दही भी मिला सकते हैं, कर्ड होता है जो। और मैं तो ये मलाई ली है, क्योंकि जब ड्राई स्किन होती है, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसमें हम मलाई का यूज़ करेंगे, तो उसमें दही भी डाल सकते हैं और मलाई भी। तो ये मैंने दूध की मलाई ली है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसका पैक बनाऊंगी। तो सबसे पहले जो ये हनी है, इसमें हम बेसन डालेंगे थोड़ा सा, जितना आपको लगाना है उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डालें, अगर कम चाहिए तो कम। तो मैं ये इसमें सारा डाल दूँगी, और जो ये मलाई है इसको भी हम इसमें डालेंगे। दूध भी डाल सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो दूध भी डाल के हम इसको पैक बना सकते हैं। और फ्रेंड, इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, तो अभी मेरे पास नहीं है, जो लेमन जूस होता है उसको भी हम मिला सकते हैं इसमें, तो अभी नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो सबसे अच्छा पैक यही है, तो इसको हम फेस पे भी लगा सकते हैं और फीट पे भी, जिससे स्किन हमारी बहुत ही ग्लो करेगी और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। तो ये पैक हमारा बन गया है, इसको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना या फिर बहुत ज़्यादा इसको गीला नहीं करना है। तो अभी मैं आपको अपने पैरों पे अप्लाई करके दिखाऊंगी इसको। तो मैंने आज पायल नहीं पहनी है इसीलिए, जिससे कि मैं ये लगाऊंगी तो मेरे पायल जो में गंदा हो जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा। तो अभी हम लगाएंगे पैरों पे। तो ये पैक जो हम घर में बनाते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और नुकसान नहीं करता है कोई भी चीज़। तो इसलिए जो हम घर में पैक बनाते हैं वो सबसे अच्छा होता है मार्केट के पैक से। तो वो कभी कभी जो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि किसी को वो नुकसान भी कर जाता है। तो जो ये पैक हम बनाएंगे, ये हम फेस पे कितने भी बार लगा सकते हैं, और दही डाल के लगाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन अभी मेरी स्किन जो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है सर्दियों में, इस वजह से मैं मॉइस्चराइज़र का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। अच्छे से मसाज करेंगे, इससे जो मलाई होती है वो बहुत ही हमारी स्किन को सॉफ्ट करेगी। मेरी स्किन बहुत ही ड्राई है, इसलिए मैं इसको मलाई मैंने इसमें डाली है। इसको हम फेस पे भी लगा सकते हैं, हफ्ते में 2-3 बार लगा सकते हैं, 4 बार लगा सकते हैं। स्किन हमारी बहुत ही ग्लो करेगी, फेस भी ग्लो करेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए अभी मैं, आप लोग कमेंट करते हैं कि अपने पैरों की केयर करें, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा करने लगी हूँ। तो मैंने ये इसके ऊपर ये डाला हुआ है, शीट है ये, जिससे कि मेरा जो ये कपड़ा कम्बल बिछा हुआ है वो गंदा ना हो, और ये हमारी शीट धुल जाएगी, इसलिए मैंने इसको बिछाया हुआ है। साथ में हम अपने हाथों की भी करते जाएंगे। तो हमारी ये मसाज हो गई है, अभी हम इस वाले पैर को भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हनी से भी हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, हनी लगाने से, और जो मलाई होती है, बेसन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो स्किन को बहुत ही सॉफ्ट करती हैं, ड्राइनेस ख़त्म करती हैं बिल्कुल। इसकी मसाज करते रहेंगे, जब ये सूख जाएगा तब हम इसको क्लीन करेंगे कॉटन से, या फिर हम पानी से धो भी सकते हैं इसको, कपड़े से साफ़ करेंगे और अच्छे से सोल्स वगैरह हर एक की अच्छे से मसाज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने पायल नहीं पहनी है, मैंने पायल निकाल दी है, क्योंकि मेरी पायल उसमें ये जो हमारा पैक है, उपटन भी बोल सकते हैं इसको और पैक भी, तो वो पायल के अंदर भर जाता सारा, वो बहुत गंदी हो जाती, तो इसीलिए मैंने उसको नहीं पहना है। तो अभी ये सूख चुका है और अभी मैं इसको क्लीन करूँगी, कॉटन से साफ़ करूँगी इसको, क्योंकि अगर मैं इनको धुलने जाऊँगी तो फिर आप लोग मैं उधर दिखा नहीं पाऊँगी, इसलिए अभी मैं कॉटन से क्लीन कर दूँगी, उसके बाद इनको धुल लूँगी पानी से। तो जहाँ भी आपको हाथों में, पैरों में, फेस पे ड्राइनेस लगे और ग्लो लाना है, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं इस तरह का पैक बना के,
क्योंकि हमें घर में ही बन जाता है। और बाहर के पैक से बहुत अच्छा होता है, ये नेचुरल होता है, इसमें कुछ भी बनावटी या मिलावटी चीज़ें नहीं होती हैं। तो अभी मैंने ये कॉटन लिया है, गीला किया है इसको, तो अभी हम इसको साफ़ करेंगे। तो देख सकते हैं मैंने ये पैर अपने साफ़ कर लिए, क्लीन कर लिए बिल्कुल, पानी से इनको वॉश किया है और काफ़ी ग्लो दिख रहा है पैरों में। तो जो मैंने पैक लगाया है अभी आप देख सकते हैं कितना ग्लो आ रहा है और सॉफ्ट भी हो गए हैं काफ़ी। तो इस तरह का पैक बना के हम घर में लगा सकते हैं। तो अभी मैं पहनूंगी ये वाली पायल। मेरे पैरों में काफ़ी ग्लो आ गया है और पहले से काफ़ी क्लीन दिख रहे हैं, बिल्कुल पिंक पिंक से हो गए हैं मेरे पैर, बिल्कुल क्लीन है हर जगह से। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी है आपको और हमारा ब्यूटी टिप्स कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।